वालेकुम। मैं फहमी दामले चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू पालक खड़े मसाले से। ये हमने एक गुच्छी बड़ी पालक की काट ली है, बारीक बारीक धो लिया है इसको, और ये दो आलू काट लिए हैं मीडियम साइज़ के। आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सामान लिया है, ये है लहसुन काट लिया हमने 5-6 करिए, 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, एक प्याज काट लिया है छोटा सा, और 4-5 हरी लाल मिर्च है, और ये आधा चम्मच जीरा है, यह नमक है आधा चम्मच, एक टमाटर है। हमने कढ़ाई गरम, गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच खाने का तेल का डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे, हमारा तेल गरम हो चुका है। उसके बाद हम लहसुन डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। सुनहरा हमने तक भूनेंगे। प्याज डाल देंगे, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ी देर के लिए भून देंगे, उसके बाद फिर टमाटर डाल देंगे। आलू हमारे भूनते हैं तो हम टमाटर डालेंगे। अब ये नमक और हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। अब ये थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आलू हमारे अच्छे से भूनते हैं, अब हम इसमें पालक डाल देंगे। हमने इसमें पालक डाल दिया है, अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पानी इसी में से निकल जाएगा, और इसको हल्के आँच पर पकाते रहेंगे। ये नीचे हो जाएगा, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें पानी अपने आप ही छूट जाता है। देखिए हमारा आलू पालक पक रहा है, और हमने इसमें पानी भी नहीं डाला। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। हम इसको तेज आँच करके ढक के रख देंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे। देखते हैं हमारा आलू पालक कैसा हो गया है। अभी 5 मिनट चला गया, हमने गैस कम कर दिया है। अब हम इसको हल्के आँच पर इसका पानी खुशक करेंगे। देखिए अभी इसमें पानी है, और आलू भी नहीं गले हैं। आप चाहें तो ये लाल मिर्च फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा करा है इनको, ये लाल लाल अच्छे लगते हैं। देखिए इसका पानी भी खुशक हो चुका है, और ये बिल्कुल तैयार है, आलू भी गल चुके हैं। आप इसे चावल की रोटी से खाएँ, बाजरे की रोटी से खाएँ, मक्की की रोटी से खाएँ, या गेहूं की रोटी से खाएँ, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और सर्दी के मौसम में तो खास करके अच्छी लगती है। तैयार है हमारे खड़े मसाले वाली आलू पालक की सब्ज़ी। आप भी बनाएं, ट्राई करें, और हमें बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।